नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुम् व्यापकम् ब्रह्मा तेदास्वरूपम्। निजम् निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणाकार संसार पारं नतोहं। तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन् मौलिकल्लो लीनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम। मृगाधीश चर्माम बरम मुंडमालम मृगाधीश चर्मा बरम मुंडमालम। प्रिय शंकरम सर्व नाथम भजामि। प्रचंडम प्रकाष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिनानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावदुमानात पादारविंदम भजन्ति हलोके परे वानराणम्। नतावद सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वं भूतादिवासम्। न जानामि योगम् जपम् नैव पूजा न तोहम् सदा सर्व दाशं भूतोभ्यम्। जरा जन्म दुःख्योग तात्प्यमानम् जरा जन्म दुःख्योग तात्प्यमानम्। प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी
ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्नमुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु सचिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले हे प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूँ ना जप और ना पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ।